अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी के बारे में बताएंगे जिसने के जहाज के पहियों के अंदर छुपकर डोमिनिक रिपब्लिक से कनाडा जाने की कोशिश की। दोस्तों डोमिनिक रिपब्लिक कैरेबियन में वाकई एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है और इसी मुल्क के अंदर एक मैरियनो लैगजो नाम का आदमी रहता था, लेकिन एक दिन उसके सर पर कनाडा जाने का भूत सवार हो गया और वो अपने मुल्क को छोड़कर एक इंतहाई खतरनाक सफर पर रवाना हो गया। दोस्तों इसकी कहानी कुछ यूं है कि आज से तकरीबन 17 साल पहले मैरियानो इंतहाई बेरोजगारी का शिकार था और जितने पैसे वो कमाता था उन पैसों में उसका गुजारा नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से वो अमीर बनना चाहता था और अपनी जिंदगी को इंतहाई बेहतर बनाना चाहता था और इसी वजह से वो डोमिनिक रिपब्लिक में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के बाकी दिन कनाडा के अंदर गुजारना चाहता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मसला यह था कि कनाडा जाने के लिए उसके पास वीजा नहीं था और लीगल तौर पर कनाडा जाने के लिए वो अपनी तमाम कोशिशें कर चुका था। दोस्तों मैरियाना डोमिनिक रिपब्लिक के एक शहर कुंताकाना के एयरपोर्ट पर टेक्नीशियन का काम करता था और मैरियानो कई जहाज़ों को वहाँ से कनाडा जाता हुआ देखा करता था, लेकिन एक दिन अचानक मैरियानो की नज़र एक ऐसे जहाज़ पर पड़ी जो कि उसके ख्वाबों के मुल्क कनाडा जा रहा था और मैरियानो लगातार उस जहाज़ में जाने वाले मुसाफिरों को हसरत भरी निगाहों के साथ देखता रहा और ये सोचता रहा कि आखिर ये लोग कितने ज़्यादा खुशनसीब हैं। और उस जहाज़ को टेक ऑफ होता हुआ देख कर मैरियानो ये सोच रहा था कि अगर वो भी किसी तरीके से उस जहाज़ के अंदर सवार हो जाता तो वो भी बआसानी कनाडा पहुंच जाता और इसी वजह से उसके जहन में ये ख्याल आया कि वो जहाज़ के अंदर छुप कर भी तो कनाडा पहुँच सकता है। और दोस्तों अपनी इसी खतरनाक सोच की वजह से मैरियानो ने एक दिन जहाज़ के लैंडिंग गियर के अंदर छुपकर कनाडा जा पहुंचने का प्लान बनाया। दोस्तों इस प्लान को बनाते ही मैरियानो के दिमाग में कनाडा में मौजूद बड़े बड़े बंगले और गाड़ियां और डॉलरों की चमक दमक दिखाई देने लगी और उसको अपने तमाम ख्वाब भी सच होते हुए दिखाई देने लगे और उसने पूरे एतमाद के साथ प्लान बनाया कि वो ऐसा कर सकता है। दोस्तों एयरपोर्ट के ऊपर मैरियानो का काम ही कुछ इस तरह का था कि उसके लिए जहाज़ के लैंडिंग गियर तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी, लिहाजा उसने ये सोच लिया कि वो किस दिन डोमिनिक रिपब्लिक से कनाडा की जानिब रवाना होगा और उसने अपने इस मकसद को कामयाब बनाने के लिए 11 जनवरी 2003 के दिन का इंतखाब किया था, क्योंकि उस दिन कुंताकाना एयरपोर्ट से स्काई सर्विस के एक जहाज़ ने कनाडा की जानिब रवाना होना था। दोस्तों आखिरकार 11 जनवरी 2003 का वो दिन भी आ गया जिस दिन स्काई सर्विस का एक जहाज़ कनाडा के लिए टेक ऑफ करने के लिए कुंताकाना एयरपोर्ट पर मौजूद था, लिहाजा मैरियानो मौका पाकर फौरन जहाज़ के करीब पहुंच गया और जहाज़ के लैंडिंग गियर वाले हिस्से में जा बैठा और उस वक्त जहाज़ के हमले के साथ साथ किसी और ने भी मैरियानो को जहाज़ के लैंडिंग गियर में छुपते हुए नहीं देखा और जहाज़ के लैंडिंग गियर में छुपने के बाद मैरियानो को ये लग रहा था कि वो पूरे 4 घंटे के बाद अपने ख्वाबों के मुल्क कनाडा के अंदर पहुँच जाएगा, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वो कनाडा जिंदा पहुँचेगा या फिर मरने के बाद। लिहाजा जहाज़ ने स्टार्ट होने के बाद रनवे के ऊपर चलना शुरू कर दिया और अगले चंद लम्हों के अंदर ही जहाज़ देखते ही देखते हवा के अंदर बुलंद हो गया और यूं मैरियानो अपनी ज़िंदगी के सबसे खतरनाक सफ़र पर रवाना हो गया। दोस्तों इसके बाद जहाज़ मजीद बुलंद होता रहा जिसकी वजह से ऑक्सीजन का दर्जा हरारत भी इंतहाई कम हो गया, जिस दर्जा हरारत में इंसान के लिए ज़िंदा रहना इंतहाई मुश्किल हो जाता है और मैरियानो लगातार ऐसी सूरत हाल का सामना कर रहा था। दोस्तों जहाज़ लगातार 35,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास करता रहा और वो जगह जहाँ पर मैरियानो छुपा हुआ था उस जगह का दर्जा हरारत -32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा था। दोस्तों आखिरकार जहाज इतने लंबे सफर के बाद कनाडा के एक शहर टोरंटो के एयरपोर्ट पर उतर गया, लेकिन मैरियानो जहाज के लैंड करने के कई घंटों बाद भी उस जहाज के लैंडिंग गियर से नहीं उतरा। लेकिन दोस्तों कुछ ही घंटों के बाद एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक शख्स को जहाज का मुआयना करने के दौरान ये महसूस हुआ कि जहाज के लैंडिंग गियर के अंदर कोई चीज मौजूद है। जब उसने लैंडिंग गियर को खोल के देखा तो उसकी नजर मैरियानो पर पड़ी। दोस्तों मैरियानो कनाडा तो पहुंच चुका था लेकिन जिंदा हालत में नहीं बल्कि मरी हुई हालत में,
और वो इस दुनिया से चल बसा था। दोस्तों, अगर हम जहाज के लैंडिंग गियर में छुपने वाले लोगों के वाकयात पर नजर डालें तो हमें ये मालूम होता है कि पिछले 50 सालों में इतने ज्यादा लोग लैंडिंग गियर में कम ऑक्सीजन की वजह से नहीं मारे गए जितने लोग लैंडिंग गियर में छुपकर जमीन पर गिरने की वजह से मारे गए हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो यह है कि अच्छा दिखाई देने वाला हर ख्वाब अच्छा नहीं होता और ज्यादा की लालच में इंसान वो कुछ भी खो बैठता है जो कि इंसान अपनी जिंदगी में बआसानी हासिल कर सकता है। दोस्तों, अगर आप इस तरह के वाकयात पर कुछ और मालूमात चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मैं आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह एक नई और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।